आप हमेशा इस्तेमाल होते रहे हैं। मैं सीधा मेरा आरोप है नफरत के दीवार खड़ा कौन कर रहा है और कौन है ऐसे लोग जो विभिन्न विभिन्न राजनीतिक संगठनों से और कई सामाजिक संगठनों को खड़ा करके बना करके वो अपनी नेतागिरी की दुकान चला रहा है। जब नेताओं की दुकान बंद हो जाती है तो फिर वो कोई न कोई रास्ता ढूंढता है दुकान चलाने का। कोई हिंदू खतरे में और इस्लाम और मुसलमान खतरे में और कोई बैकवर्ड और फॉरवर्ड खतरे में नहीं होता है, कोई जात खतरे में नहीं होता है, कोई देश खतरे में नहीं होता है। जब इसकी पॉलिटिशियन का पॉलिटिक्स सत्ता कुर्सी वोट और पॉलिटिशियन की राजनीति खतरे में होती है तो ये सब कुछ को खतरे में डाल देता है। खतरे में डालने वाले ये लोग हैं। मैं इस घटना को सुनने के बाद दोनों पक्ष मैं यह कह सकता हूं कि कॉमन लोगों के बीच एक अफवाह पैदा हुई। अफवाह पैदा करने के बाद लोगों में स्वाभाविक गुस्सा पैदा हुआ। फिर हमारे बुजुर्गों ने और समझदार लोगों ने इसको खत्म किया। लेकिन दूसरे दिन जो घटना घटित हुई निश्चित रूप से उसमें प्रशासन की फेल्योर है। प्रशासन बाद में सजग क्यों हुई, पहले क्यों नहीं सजग हुई, और सीआईडी और आईबी कहां थी, और अभी तक सीसीटीवी की मतलब फुटेज जब आप जुलूस में रखते हैं तो आप उसके आधार पर आप घर में ढुक के महिलाओं के द्वारा महिलाओं के पुलिस के से बेइज्जत करवा रहे, जो निर्दोष है उसको गिरफ्तार करिएगा, जो दोषी है जो साजिश का हिस्सा बनाया आप उसकी गिरफ्तारी नहीं कीजिए। कहां से पत्थर चल गई, ये हिंदू मुसलमान दोनों के मन में है कि जब कभी इस मोहल्ले में 70 सालों में पत्थर चली नहीं तो इस बार पत्थर चली कहां से, ये सवाल कहां से खड़ा हुआ, ये सबसे बड़ा सवाल है। और तीसरी चीज, इतनी सारी दुकानें जल गई बर्बाद हो गए तो फिर अभी तक सरकार उस चिन्हित करके मुआवजा क्यों नहीं दे रही है, कोई जिंदगी जीने के लायक नहीं, घर में खाना नहीं बन रहा, आप क्या दिखा रहे हैं, और उल्टे ही आप निर्दोष को जेल भेज रहे हैं, जो दोषी है उसको भेजिए, जिसका दोनों पक्ष में सीसीटीवी में फोटो आएगा, जो गुंडे होते हैं मोवाली होते हैं उसको भेजिए, जो आम आदमी भाग रहा है या उसको घर में ढुक करके आप चिन्हित करिएगा। कोरम पूर्ति करने के लिए प्रशासन को जो मन आता है सो करता है। मैं सीधा मेरा आरोप है ये सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों हाथ में लड्डू चाहता है। चित भी मेरी पट भी मेरी, बड़ों के बाप कनियों के बाप, ये दोनों का बाप बनना चाहता है। मैं सत्ता पक्ष और विपक्ष से पूछना चाहता हूं ये दोनों का बाप कैसे बनिएगा। ये हमाम में सब नंगे हैं, ये मजे लेते हैं, जलता है समाज, मरता है मेरे बच्चे, उम्मीदें समाप्त हो जाती है गांव की शहरों की, जिंदगी नासूर बन जाता है इस दंगे में, जातीय और ऐसे दंगों में। नेता का घर क्यों नहीं जलता है, कोई भी दंगा कोई भी उन्माद में नेताओं का घर क्यों नहीं जलता है। इन संगठन में रहने वाले जो बाजार में जो हर पॉलिटिक्स पॉलिटिशियन का घर है वो आज तक क्यों नहीं जला भाई, आप मुझे बताओ। बैकवर्ड फॉरवर्ड के झगड़े में किसी बैकवर्ड फॉरवर्ड के नेता का क्यों नहीं जलता है, स्वर्ण एसएससी के झगड़े में किसी नेता का घर क्यों नहीं जलता है, एक गरीब स्वर्ण और गरीब एसएससी ही क्यों मारा जाए भाई, एक गरीब हिंदू गरीब मुसलमान ही क्यों इसके शिकार हो भाई। और सब मजे लेते हैं और सब फिर मस्त हो जाते हैं, और क्यों उन लोगों को तो साफ है, चलो कोई घटना घटित हुई और फिर वोट बैंक की राजनीति शुरू हो जाती। तो इसीलिए मेरा सीधा दोस्त है यह बिहार पॉलिटिकल वेंडेटा का शिकार हो चुका है, यह बिहार पॉलिटिकल मार्केटिंग का शिकार हो चुका है, यह बिहार इन राजनीतिज्ञों का शिकार हो चुका है। इस बिहार को बचाना बहुत आवश्यक है।
बिहार के 11 करोड़ लोगों को बचाना बहुत आवश्यक है। और मैं अमन, सीतामढ़ी के अमन पसंद लोगों को बधाई देता हूं, चाहे वो बुजुर्ग हों या यूथ हों। और बाद में प्रशासन ने जिस तरीके से कि मैं उसको भी धन्यवाद देता हूं, लेकिन मैं आग्रह करूंगा कि आगे ऐसे लोगों पर नजर रखी जाए।